सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान कंधे में लगी चोट के कारण 5 अप्रैल से शुरू होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। राहुल अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे। बेंगलुरु के लिए राहुल का जाना एक छक्के की तरह है, क्योंकि उसके कप्तान विराट कोहली भी सीरीज के दौरान कंधे में चोट लगा बैठे थे। विराट कह चुके हैं कि उन्हें पूरी तरह राहुल अपनी चोट की सर्जरी के लिए जल्द लंदन रवाना हो सकते हैं। राहुल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान भी कंधे में चोट लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पूरी सीरीज में खेलना जारी रखा। राहुल ने दूसरे बेंगलुरु टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाए थे, लेकिन साथ ही बताया कि उनकी चोट के कारण वे बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे हैं। हालांकि राहुल दर्द के बावजूद भारत के लिए सीरीज में बेहद प्रभावशाली साबित हुए और 393 रन के साथ तीसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे।